हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं अपने टॉपिक पे आऊं, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, ताकि मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के लेके आऊं, जिससे कि आपको अवेयरनेस मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो है ऑयल एंड गैस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये जो हमारा वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा होगा और ये पार्ट वाइज में आएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट को देखें, दूसरा पार्ट को देखें, तीसरे पार्ट को देखें, जिससे कि ऑयल एंड गैस में जितने भी सेफ्टी के प्रोसीजर्स या प्रिकॉशन, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले अगर पाइपलाइन में हम जाते हैं या ऑयल एंड गैस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो मैं आज आपको वर्ड में अपने मैं इस पे लेके आता हूं कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होते हैं। मैं थोड़ा अपने इस पे आपको वर्ड में टाइप करके बता रहा हूं कि क्या किया जाता है। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। इसमें एक चीज है, प्लान नहीं, मैं उसको प्लांस बोल रहा हूं, ठीक है। प्लांस इसलिए ताकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लान होते हैं, जैसे कि एचएससी प्लान, ठीक है, ईआरपी प्लान। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जर्नी मैनेजमेंट प्लान, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें प्लान्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या होते हैं कि सबसे पहले आपको प्लान तैयार करने पड़ते हैं। वो प्लान तैयार करने के प्लान्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फिर उसके बाद आप उसको अप्रूवल के लिए पास जाते हो, क्लाइंट के पास अप्रूवल के लिए उसको सबमिट करना पड़ता है। अब इस प्लान में क्या क्या है कि जितने आपके फॉर्मेट हैं, जितने आपके फॉर्मेट्स होते हैं, वो सारे फॉर्मेट्स इसमें प्लान्स में आपके एचएससी प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग। वो आपको एनेक्जर, जो एनेक्जर होता है ना, उस एनेक्जर में उसको ऐड करना पड़ता है। एनेक्जर प्लान, प्लान नंबर, जैसे कि ईएचएस प्लान, ठीक है, आपके कंपनी का नाम ईएचएस और उसके बाद फॉर्मेट नंबर कितना। मैं आगे फॉर्मेट बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो फॉर्मेट नंबर कितना, तो 1 2 3 लेके आपको फॉर्मेट नंबर वो हमको उसमें डालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं और उसको हम अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं, ताकि क्लाइंट उसको अप्रूवल करे। उसमें अगर क्लाइंट को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं या कुछ उसमें कुछ रेक्टिफाई करने के लिए, तो वो आपको कमेंट दे सकता है, कुछ चीजें ऐड करने के लिए बोल सकता है कि नहीं इसको आप और ऐड करो, या कुछ चीजें उसको लगेंगी कि नहीं इसको चेंज करना चाहिए तो उसको वो चेंज कराएगा, ठीक है। उसके साथ आपको हीरा, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, हीरा का फुल फॉर्म होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है, वो हमको सबमिट करना पड़ता है क्लाइंट को, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। तो जैसे ऑयल एंड गैस है, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ के लिए पाइपलाइन होता है। तो एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं कि हमको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हमारा उसको कुछ प्रोसीजर भी पूछ सकता है वो, ठीक है, वो कुछ प्रोसीजर का स्पेलिंग कुछ गलती हो रहा है, प्रोसीजर आपको पूछ सकता है, वो प्रोसीजर पूछ सकता है कि कौन कौन सा प्रोसीजर। आप जैसे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी का अलग अलग प्रोसीजर होता है,
तो आपको प्रोसीजर भी बना के उसको सबमिट करना पड़ता है, ताकि उसका वो कुछ अगर चेंजिंग हो तो वो आपको वो बताए कि हाँ इसको ऐसा करना है, उसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, ये मेरा पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद मैं पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, तो उसमें फर्स्ट पार्ट हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।